दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेश बेल्ट के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम 11th फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं ब्राह्म कोण। जी हाँ दोस्तों, ब्राह्म कोण जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज या जो ब्राह्म कोण है इसको हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ब्राह्म कोण को समझने से पहले आपको जो है ना नत समतल जो है ना समझना पड़ेगा कि ये नत समतल जो है ना वो क्या होता है। ठीक है, नत समतल, ठीक है, आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं। दोस्तों आप देख, आप जानते ही हो ये जो है ना आपका क्या होता है, क्षैतिज होता है। क्या होता है मेरे भाई, ये क्षैतिज होता है। एक सेकेंड, ये मेरे भाई आपका क्या होता है, क्षैतिज होता है। ठीक है, ये आपका क्षैतिज है। अब यदि दोस्तों क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए, क्षैतिज से कुछ एंगल बनाते हुए एक हम तल खींच देते हैं इस टाइप से, क्षैतिज, ये आपका कौन सा है, ये आपका क्षैतिज है। क्या है मेरे भाई, क्षैतिज है। ठीक है, ये क्षैतिज है। अब क्षैतिज से कुछ एंगल या फिर कुछ कोण बनाते हुए हम एक तल बना देते हैं तो वो तल आपका कहलाता है नत समतल। क्या कहलाता है, नत समतल। तो नत समतल का मतलब क्या होता है, जब कोई तल झुकाव के साथ हो, जब कोई तल किसके साथ हो, झुकाव के साथ हो, तो उसे नत समतल कहते हैं। जैसे ये वाला जो तल है आपको दिख रहा है, ये झुकाव के साथ है ना, अब झुकाव के साथ है मतलब ये नत समतल है। ठीक है, अब देखो इसमें कोई झुकाव नहीं है, ये वाला जो आपको तल दिख रहा है इसमें कोई झुकाव नहीं है, इसलिए आपका ये क्षैतिज तल है। बट ये झुकाव के साथ है, किसी कोण के साथ जो होता है उसे हम बोलते हैं नत समतल। तो नत समतल का मतलब समझ गए, कोई झुकाव के साथ अगर कोई तल है तो आपका नत समतल है। ठीक है ना मेरे भाई, तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ब्राह्म कोण पढ़ रहे हैं, एंगल ऑफ रिपोज पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जब कोई पिंड को नत समतल में सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा जाता है, अब सीमांत संतुलन क्या होता है उसको भी समझा रहा है। ठीक है, जैसे मान के चलो ये हमारे पास एक तल था, ये हमारे पास ये क्षैतिज तल था, और एक हमारे पास ये जो हमारे पास क्षैतिज तल था, ठीक है, और यहाँ पर जो नत समतल था वो इस टाइप से था, ऐसा था। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहाँ पर यदि मैंने इस तल पर एक पिंड को रख दिया, एक पिंड को मैंने इस तल पर रख दिया, तो आप बताओ यहाँ से जो पिंड है, ये जो पिंड है इस तल पे मैंने रख दिया, ये पिंड क्या खिसकेगा, क्या फिसलने की स्थिति में है, क्या ये वाला पिंड नहीं है। तो सीमांत संतुलन की स्थिति का मतलब ये होता है कि पिंड को इस स्थिति में रखा जाए कि वो पिंड जो है ना, वो पिंड जो है ना फिसलने की स्थिति में हो। किसकी स्थिति में हो मेरे भाई, फिसलने की स्थिति में हो। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो मेरे पास ये माचिस है, ठीक है, अब मैंने इस माचिस को इस टाइप से ऐसे रख दिया, तो ये चलो एक सेकंड, ये माचिस, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलो ये हमारे पास एक शीशी है, और मैंने क्या किया है, इस शीशी पर मैंने इस पिंड को रख दिया, तो बताओ ये जो माचिस है इस शीशी पर फिसल रही है क्या, नहीं है, मतलब ये सीमांत संतुलन की स्थिति में नहीं है। लेकिन मैं इस माचिस को इस टाइप से रखूँ, इस टाइप से रखूँ कि ये फिसलने की स्थिति में आ जाए। जैसे मैंने इसको देखो अभी ये सीधी रखी है, अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो देखो फिसल गई ना माचिस। ठीक है, तो इस प्रकार से रखा जाए किसी वस्तु की वो, कि वो पिंड जो है ना, कोई भी पिंड को इस टाइप से रखा जाए कि वो फिसलने की स्थिति में हो जाए, तो वो आपका सीमांत संतुलन की स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो यदि किसी, मैं क्या बोल रहा हूं, यदि किसी पिंड को, यदि किसी ये पिंड को या जब कोई पिंड को किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में, अर्थात पिंड फिसलने की स्थिति में हो, किसकी स्थिति में हो, फिसलने की स्थिति में हो, ठीक है, तब उस नत समतल द्वारा, जो आपका नत समतल होता है, तब उस नत समतल द्वारा क्षैतिज से, इस नत समतल द्वारा क्षैतिज से जो कोण बनाया जाता है, जो कोण बनाया जाता है वही कोण हमारा ब्राह्म कोण कहलाता है मेरे भाई। कौन सा कोण कहलाता है, एक सेकेंड, ये आपका क्या कहलाता है, ब्राह्म कोण कहलाता है। और ब्राह्म कोण को हम थीटा से व्यक्त कर देते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, थीटा से व्यक्त करते हैं, समझ पा रहे हो। ठीक है, अब देखो मैंने नत समतल पे क्या किया है, एक पिंड को रख दिया, जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक पिंड है, और इस पिंड को मैंने कहाँ कर दिया मेरे भाई, नत समतल पर रख दिया, एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने ये जो है ना इस पिंड को इस नत समतल पर रख दिया, ये हमारे पास पिंड है। ठीक है,
ये हमारे पास क्या है, एक पिंड है, इसको हमने नत समतल पर रख दिया है, ठीक है। तो ये जो आपका पिंड है, ये जो आपका पिंड है, इस पिंड पर कितने बल कार्य करेंगे, इस पिंड पर देख लेते हैं कितने बल कार्य करेंगे, ठीक है। इस पिंड पर तीन बल कार्य करेंगे, कितने बल कार्य करेंगे, तीन बल, ठीक है। तो पहला आपका कौन सा बल होगा, पहला तो क्या होगा मेरे भाई, पहला तो होगा क्या इसका भार, पहला तो पिंड का क्या होगा, भार होगा, ठीक है। पहला तो पिंड का भार होगा जो आपका क्या होगा, एमजी होगा, क्या होगा, एमजी होगा। दूसरा क्या होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा जो आपका ऊपर की ओर होगा, है ना। अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है, आर, जो आपका ऊपर की ओर होगा। अब तीसरा, अब देखो इसमें बाह्य बल की तो आवश्यकता होगी नहीं, नहीं होगी ना, क्योंकि ये जो पिंड है वो अपने आप फिसल रहा है। ये जो पिंड दिख रहा है ना आपको, ये जो पिंड है वो पिंड तो अपने आप फिसल रहा है, अपने आप फिसल रहा है, इसमें बाह्य बल की तो आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें बाह्य बल तो लगेगा नहीं, बाह्य बल तो नहीं लगेगा, लेकिन पिंड क्यों, क्यों ना बाह्य बल के द्वारा फिसले या फिर अपने आप फिसले। तो पिंड पर क्या होता है, देखो पिंड जैसे यहाँ की ओर फिसल रहा है, तो इसके तल और ये नत समतल दोनों के तल के मध्य, पिंड के तल और नत समतल के मध्य, तल के मध्य एक बाह्य बल लग, सॉरी सॉरी एक लगेगा घर्षण बल, क्या लगेगा, एक घर्षण बल जो आपका होगा एफ, क्या होगा, एफ एस होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना, इस पर कितने बल कार्य करेंगे, तीन, एक तो पिंड का भार नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर, बाह्य बल तो लगेगा नहीं, है ना, क्योंकि अब इसको बाह्य बल लगा ही नहीं रहे तो अपने आप फिसल रहा है, बट फिसलने की विपरीत दिशा में एक घर्षण बल कार्य करेगा, कौन सा बल कार्य करेगा, घर्षण बल कार्य करेगा, तो ये आपका रहेगा घर्षण बल। तो ये तीन बल जो है ना कार्य करने वाले हैं इस पिंड पर, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पर आपका जो mg है, देखो ये जो देखो, अगर इसका हम सीधा खींचे, अक्ष खींचे, तो सीधा, एक सेकंड, इसका हम सीधा सा, एक सेकंड मेरे भाई, ठीक है, अगर हम इसका सीधा सा अक्ष खींचें तो सीधा सा जो अक्ष होगा वो इस टाइप से खींचेगा, और इसका सीधा सा अक्ष खींचें तो वो इस टाइप से खींचेगा। मतलब देखो यहाँ पर जो, अब अगर ये जो पिंड हो, पिंड था वो ऐसे रखा होता तो ये जो है ना भार बिल्कुल सीधा ऐसे लगता, बट नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, क्योंकि कुछ कोण के साथ लग रहा है, देखो कुछ यहाँ पर लग रहा है ना, देखो ये यहाँ लग रहा है और अक्ष आपका यहाँ पर है, मतलब कुछ कोण के साथ लग रहा है, तो वो कोण मान लेते हैं। अब देखो जो भी आपको कोण मानना है वो कोण आप मान सकते हो, ठीक है, तो मान लेते हैं वो कोण भी क्या है आपका, थीटा है, क्या है, थीटा है। मतलब आपका जो mg है वो किसी कोण के साथ लग रहा है, मतलब यहाँ पर जो mg है इसके दो घटक प्राप्त होंगे, एक आपका ये ऊर्ध्वाधर घटक और ये आपका क्षैतिज घटक, या फिर हम कह सकते हैं, या फिर हम दोस्तों क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि नत समतल के लंबवत और नत समतल के अनुदिश। देखो ये जो आपका, ये जो आपका अक्ष है, ये वाला अक्ष, देखो नत समतल के कैसा है, लंबवत है, देखो ये आपका नत समतल है और इसके ये लग रहा है ना लंबवत है, और ये नत समतल के क्या है, अनुदिश है, नत समतल के कैसा है, अनुदिश है। तो आप समझ पा रहे हो ना, तो ये डायग्राम आप समझ गए कैसे क्या बनाया मैंने, क्या किया, ठीक है ना। तो मैंने किसी पिंड को नत समतल पर रख दिया सीमांत संतुलन की स्थिति में, अर्थात पिंड के फिसलने की स्थिति में रख दिया, सीमांत संतुलन की स्थिति का मतलब फिसलने की स्थिति में रख दिया, ठीक है। तो इस पर तीन बल कार्य किए, ठीक है, आपका भार mg नीचे की ओर है ना, प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर, ठीक है, और आपका जो है ना घर्षण बल, ये वाला, समझ गए ना, तीन वाले इस पर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर mg सीधा नहीं लग रहा, कुछ कोण के साथ लग रहा है, मतलब mg के यहाँ पर कितने घटक प्राप्त होंगे, दो घटक प्राप्त होंगे, ठीक है। अब दोनों घटक कहाँ कहाँ, ठीक है, दोनों घटक कहाँ कहाँ, तो पहला तो क्या होगा, नत समतल के, ये वाला नत समतल के कैसा है, लंबवत, और ये नत समतल के कैसा है, अनुदिश, क्योंकि नत समतल भी तो ऐसा ही है ना, तो उसके अनुदिश लग रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, इतना आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पर समझो, इसको दो अवयवों में वियोजित कर सकते हैं, दो अवयव कौन से हैं वो देखो। अब देखो यहाँ पर दोस्तों जिस ओर एंगल बनता है, जिस ओर एंगल होता है, देखो ये अभी किसी, देखो यहाँ ये जो है ना, तो यहाँ है ये जो आपको देख रहा है ना mg, ना तो यहाँ है और ना ही mg जो है ना यहाँ है, तो या तो इसको यहाँ लेके आएंगे और या तो इसको यहाँ लेके आएंगे, दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, क्योंकि देखो ना तो ये इसका है और ना तो ये इसका है ना, इसका भी नहीं है और इसका भी नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, जब तक ये इसका नहीं होगा या जब तक ये इसका नहीं होगा, जब तक हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इसको दो
अभी अब हम वियोजित करेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो भी जैसे हम देख रहे हैं एम किसके साथ कोण बना रहा है, इसके साथ कोण बना रहा है, ठीक है। तो जिसके साथ कोण बनाता है वहाँ ले जाते हैं तो हमें कॉस घटक प्राप्त होता है। कौन सा घटक प्राप्त होता है? कॉस घटक। और जहाँ पर कोण नहीं बनता वहाँ ले जाते हैं तो हमें साइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? साइन घटक हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे, क्योंकि इसके साथ कोण बन रहा है, जिसके साथ कोण बनता है उसको उधर ले जाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? कॉस। जब इसको इधर ले जाएंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। और ये क्या है? नथ समतल के लंबवत, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नथ समतल के लंबवत, लंबवत अवयव, नत समतल के लंबवत क्या? अवयव। तो नत समतल, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, हाँ, नत समतल के अगर हम लंबवत इसको ले जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ? एम जी कॉस थीटा। तो अवयव क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा। मतलब यहाँ पर जो है ना, ये जो लाइन है इस पर क्या आ चुका है आपका? एम जी कॉस थीटा आ गया, ठीक है। और लेकिन जब इसको यहाँ ले जाएंगे तो देखो, यहाँ कोण बन रहा था, जिस ओर कोण बनता है उधर कॉस, और जिस ओर कोण नहीं बनता उधर साइन। तो इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। यहाँ ले जाएंगे तो एम जी साइन थीटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको प्राप्त हुआ एम जी साइन थीटा, और यहाँ से यहाँ प्राप्त हुआ आपको एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो नत समतल के अनुदिश अवयव, नत समतल के अनुदिश अवयव क्या प्राप्त हुआ आपको? mg sin थीटा। समझ में आपको आया? तो दो घटकों में मैंने इसको क्या किया, मैंने नहीं क्या, ये वियोजित हो रहा था इसलिए हमने इसको दो घटकों में वियोजित किया, ठीक है। बट सीमांत संतुलन की स्थिति में, सीमांत संतुलन की स्थिति में, कौन सी स्थिति में मेरे भाई? सीमांत। देखो, जब हम इसको सीमांत संतुलन की स्थिति में लेके आएंगे, है ना, सीमांत संतुलन की स्थिति में लेके आएंगे तो ये जो R है वो इसके बराबर होगा। मतलब ऊपर की ओर, देखो आपने पढ़ा है ना, जितना नीचे की ओर बल लगता है उतना ऊपर की ओर बल लगता है, समझ रहा है ना। जैसे आपको ये बल जो है ना, नीचे की ओर जितना बल लगेगा उतना ही तो ऊपर की ओर लगेगा, और इधर की ओर जितना बल लगेगा उधर उतना ही तो इधर की ओर लगेगा, लगेगा कि नहीं बोलो, लगेगा कि नहीं, ठीक है। तो सीमांत संतुलन की स्थिति में मेरे भाई जो R है वो किसके बराबर हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा के, ठीक है। सीमांत संतुलन की स्थिति में क्या होगा? R जो होगा वो आपका एम जी कॉस थीटा के इज इक्वल हो जाएगा। इसको आप दे देना समीकरण नंबर एक, ठीक है। तथा देखो, R तो इसके बराबर होगा, और जो आपका FS है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये बराबर ये और ये बराबर ये, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, दो बल जो है ना अपोजिट लगते हैं और बराबर लगते हैं, ठीक है, ये पता है ना आपको, पढ़ चुके हो। तो ये जो है ना FS वो किसके बराबर हो जाएगा? mg sin थीटा के। इसको दे देना आप समीकरण नंबर दो। इतना आप समझ गए? कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं, आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत किसी टाइप की नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपका समीकरण दो है, समीकरण दो भागिक क्या करना है? समीकरण एक, समीकरण दो में समीकरण एक से भाग दे दो, इसमें इससे भाग दे दो। तो ये जो है ना FS, इसमें आप क्या कर दो, मतलब इसमें इससे भाग दे दो। तो LHS में LHS से और RHS में RHS, तो FS में किससे दोगे? R से, ठीक है, और इसमें इससे, ठीक है। तो ये आपका mg sin थीटा, और ये हो जाएगा mg cos थीटा, समझ गए ना, ठीक है। तो mg से mg कैंसिल कर दो, ठीक है, mg से mg कैंसिल कर दो। अब आगे थोड़ा सा समझो दोस्तों, एक सेकंड रुको, एक मिनट, है ना। तो इतना तो आपको क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो आगे दोस्तों, आपको क्या करना है, आप जानते हो दोस्तों, जो आपका साइन थीटा होता है और जो कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। और मैंने आपको कल ही बताया था और आज भी बता रहा हूँ, एफ एस अपॉन जो आर होता है वो क्या होता है? म्यू एस, मतलब घर्षण
गुणांक होता है, क्या होता है, घर्षण गुणांक होता है, जानते हो ना कि नहीं जानते, तो ये आपका घर्षण गुणांक होगा जिसको स्थितिक घर्षण गुणांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्थितिक घर्षण गुणांक। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, म्यू एस रख सकते हैं, और इसकी जगह साइन अपॉन कॉस की जगह रख सकते हैं टेन, ठीक है। तो ये आपका आ चुका है, मतलब ये अब टेन को हमने कल ही बताया था क्या बोलते हैं, स्पर्ज्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्ज्य। तो अंत में क्या आएगा, अंत में ये आ जाएगा कि अतः जो आपका ब्राह्म कोण है, क्या है, ब्राह्म कोण, देखो थीटा क्या है, जो आपको थीटा दिख रहा है ये कौन सा कोण है, ब्राह्म कोण। तो ये ब्राह्म कोण की क्या हो गई, स्पर्ज्य हो गई ना, टेन को क्या बोलते हैं, स्पर्ज्य। तो क्या लिख दोगे, अतः ब्राह्म कोण की स्पर्ज्य, ब्राह्म कोण की स्पर्ज्य स्थितिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है, क्लियर हो गए। ये हमने इसका सूत्र स्थापित कर दिया और ये हमारा ब्राह्म कोण भी हो गया। तो सबको समझ में आ गया क्या, सभी को क्लियर है, तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करें सभी फ्रेंड, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है दोस्तों। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।